हमें करना है थर्मल डिकम्पोजिशन फेरस सल्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, लेड नाइट्रेट। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे तो पहले एफई का ऑक्साइड बनेगा, फिर कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा और फिर पीबी का ऑक्साइड बनेगा। एफई का कौन सा ऑक्साइड बनेगा? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। फिर कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर लेड का ऑक्साइड बनेगा PbO। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट, थर्मल मतलब हीट, तो तीनों में क्या आ जाएगा? हीट। फिर आपको रटने की जरूरत नहीं, समझना है कि यहाँ पे Fe लिखा हुआ है तो Fe का ऑक्साइड बनेगा Fe2O3, यहाँ पे कैल्शियम लिखा हुआ है तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा CaO, और पीबी लिखा हुआ है तो पीबी का ऑक्साइड बनेगा पीबी। अब इनमें से गैसेस निकलेंगी, तो इसमें से कौन सी गैस निकलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहां पे देखो आप सल्फर प्रोटीन से तो नहीं, सल्फर का कौन सा ऑक्साइड हो गया? तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा। CO3 में से कार्बन में से कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पे क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन वाले में से कौन सी गैस निकलेगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन गैस। तो रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको क्या करना है? Fe का पहले ऑक्साइड बनाना है Fe2O3, फिर कैल्शियम का ऑक्साइड बनाना है CaO, फिर लेड का ऑक्साइड बनाना है PbO, फिर आपको ध्यान रखना है सल्फर में से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलेगी, CO3 में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और NO3 में से NO2 और O2 निकलेगी। सल्फर वाले में से सल्फर ऑक्साइड।